हेलो गाइज, आप देख रहे हैं टेक ट्यूब हिंदी। और यार ओप्पो F21 प्रो में आ चुका है कलर OS 13 और एंड्रॉयड 13 का अपडेट। तो कौन से नए फीचर्स और क्या कुछ नया देखने को मिलता है ओप्पो F21 प्रो के इस अपडेट में, जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये अपडेट है लगभग 5 GB का। तो सबसे पहले करते हैं फोन को अपडेट। तो यहां पर हमारा ओप्पो F21 प्रो अपडेट हो चुका है और इसमें सबसे पहले तो होम स्क्रीन आइकन्स में कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं, ज्यादा खास चेंजेस नहीं हुए हैं। सेकंड फीचर के लिए आपको होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है, आइकन्स में जाना है, कस्टम पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको एक न्यू ऑप्शन मिलेगा मैच वॉलपेपर कलर्स का। तो इसे ऑन करने के बाद जैसा होम स्क्रीन का वॉलपेपर होगा वैसा ही इन आइकन्स में भी आपको कलर देखने को मिलेगा। कुछ नए विजेट्स भी ऐड किए गए हैं, इसके लिए आपको होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है, देन इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ नए एनिमेटेड विजेट्स देखने को मिलेंगे जो कि आईफोन वगैरह में आते हैं, सो इन्हें भी आप होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च स्क्रीन को भी स्मार्ट बना दिया गया है। सर्च स्क्रीन पर भी अब आपको क्लॉक और स्टेप ट्रैकर जैसे विजेट्स देखने को मिलेंगे और आप चाहें तो प्लस आइकन पर क्लिक करके और ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पैनल भी पूरा चेंज हो चुका है। अब आपको नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह का दिखाई देगा और यदि आप म्यूजिक प्ले करेंगे तो उसका विजेट भी नोटिफिकेशन पैनल में सबसे ऊपर दिखाई देगा। अगले फीचर के लिए आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। सेटिंग्स में आने के बाद आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना है, देन आपको स्टेटस बार पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको बैटरी स्टाइल परसेंटेज में भी नए स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे, इवन आप बैटरी परसेंटेज और स्टाइल हाइट भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में ही एप्स वाले ऑप्शन में भी डिसेबल एप्स और रिकवरी सिस्टम एप्स का नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। रिकवर सिस्टम एप्स वाले ऑप्शन की मदद से आप गलती से डिलीट हुए किसी भी ऐप को वापस रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी का सेक्शन भी पूरा चेंज हो चुका है और साथ ही कुछ नए फीचर्स भी इसमें ऐड किए गए हैं। साथ ही आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में सिस्टम सिक्योरिटी में आएंगे तो यहाँ पर भी एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ का। इसे ऑन करने के बाद आप जब भी अपने फ़ोन को पावर ऑफ करेंगे तो आपको फ़ोन का पासवर्ड डालना पड़ेगा। साथ ही पावर मेन्यू भी पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। इसके अलावा सिस्टम यूआई में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। फाइल मैनेजर भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। दो नए ऐप्स भी ऐड किए गए हैं, पहला है नोट्स जिसमें आप नोट्स वगैरह लिख सकते हैं और दूसरा है जेन मोड। ये जो ऐप है वो बहुत ही ज़्यादा खास है तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।